राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं खर्ज गीता। खर्ज गीता महाभारत के शांति पर्व में विद्यमान है और इस गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पुरुषार्थ चतुष्टी अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तुलनात्मक विवेचना करके उनमें श्रेष्ठतम का अनुसंधान करना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूर्व पक्ष के रूप में अपने चारों भाइयों तथा विदुर जी से उनका मत जानकर फिर उत्तर पक्ष के रूप में अपना मत बतलाया। फलतः इस छोटी सी गीता में जीवन के सभी पक्षों से संबंध तर्कों का विश्लेषण भी है और निष्कर्ष स्वरूप मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय भी बताया गया है। पांचों पांडव और छठे महात्मा विदुर के विचार ग्रथित होने से इसे खर्ज गीता कहा गया है। यहाँ पर हम आपके लिए ये खर्ज गीता हिंदी में लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, यह कहकर जब भीष्म चुप हो गए तब राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों तथा पांचवे विदुर जी से प्रश्न किया। लोगों की प्रवृत्ति प्रायः धर्म अर्थ और काम की ओर होती है, इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन मध्यम है और कौन लघु है, इन तीनों पर विजय पाने के लिए विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिए। आप सब लोग हर्ष और उत्साह के साथ इस प्रश्न का यथावत रूप से उत्तर दें और वही बात कहें जिस पर आपकी पूरी आस्था हो। तब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके सबसे पहले कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ कर्म, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। तुम इन्हीं को प्राप्त करो, इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ की जड़ यही है, मेरे मत में यही परम पद है। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है, धर्म पर ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं, धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। हे राजन, धर्म ही श्रेष्ठ गुण है, अर्थ को मध्यम बताया जाता है और काम सबकी अपेक्षा लघु है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। अतः मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, विदुर जी की बात समाप्त होने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले अर्थशास्त्र विशारद अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कहा। अर्जुन बोले, हे राजन, यह कर्म भूमि है, यहाँ जीविका के साधन भूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक होती है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा श्रुति का कथन है। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। श्रुति का कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव है, अर्थ की सिद्धि से उन दोनों की भी सिद्धि हो जाती है। जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान पुरुष की उपासना किया करते हैं। जटा और मृग चर्म धारण करने वाले जितेंद्रिय संयत चित्त शरीर में पंख धारण किए मुंडित मस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थ की अभिलाषा रखकर पृथक पृथक निवास करते हैं। सब प्रकार के संग्रह से रहित संकोचशील शांत गेरुआ वस्त्रधारी दाढ़ी मूछ बढ़ाए हुए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते देखे गए हैं। कुछ दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, किंतु वे भी धन की इच्छा रखते हैं। दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियम परायण पुरुष हैं जो अर्थ के इच्छुक होते हैं। अर्थ की प्रधानता को न जानना तमो में अज्ञान है, अर्थ की प्रधानता का ज्ञान प्रकाश में है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, मुझे तो यही मत ठीक जचता है। अब आप इन दोनों की बात सुनिए, इनकी वाणी कंठ तक आ गई है, अर्थात ये दोनों भाई बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपनी उत्तम बात इस प्रकार से उपस्थित की। नकुल सहदेव बोले, हे महाराज,
मनुष्य को बैठते, सोते, घूमते, फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन अत्यंत प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति अथवा सिद्धि हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसका सभी को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें कोई संशय नहीं। जो धन धर्म से युक्त हो और जो धर्म धन से संपन्न हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत के समान होगा। ये हम दोनों का मत है। निर्धन मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। जो पुरुष धर्म युक्त अर्थ से वंचित है, उसमें सब लोग उद्विग्न रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपने मन को संयम में रखकर जीवन को धर्म में प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके फिर धन का साधन करे, क्योंकि धर्मपरायण पुरुष पर ही समस्त प्राणियों का विश्वास होता है। और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं, तब मनुष्य का सारा काम स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करें, फिर धर्म युक्त धन का संग्रह करें। इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करें। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह से कहना आरंभ किया। भीमसेन बोले, हे धर्मराज, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उसे ना तो धन कमाने की इच्छा होती है, ना धर्म करने की ही। कामनाहीन पुरुष तो काम भोग भी नहीं चाहता, इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ऋषि लोग तपस्या में मन लगाते हैं, फल मूल और पत्ते चबाकर रहते हैं, वायु पीकर मन और इंद्रियों का संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेद और उपवेदों का स्वाध्याय करते हैं तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना से ही श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, दान और प्रतिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होती है। व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं। कामना के विविध रूप है तथा सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। हे महाराज, सभी प्राणी कामना रखते हैं, उससे भिन्न कामना रहित प्राणी न कहीं है, न कभी था और न भविष्य में कभी होगा। अतः यह काम ही त्रिवर्ग का सार है। धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित है। जैसे दही का सार माखन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ का सार काम है। जैसे खली से श्रेष्ठ तेल है, तक्र से श्रेष्ठ घी है और वृक्ष के काष्ठ से श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों से श्रेष्ठ काम है। जैसे फूल से उसका मधुतुल्य रस श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थ का कारण है, अतः वह धर्म और अर्थ रूप है। बिना किसी कामना के ब्राह्मण अच्छे अन्न का भी भोजन नहीं करते और बिना कामना के कोई ब्राह्मणों को धन का दान नहीं करते। जगत के प्राणियों की जो नाना प्रकार की चेष्टाएं होती है, वह बिना कामना के नहीं होती। अतः त्रिवर्ग में काम का ही प्रथम और प्रधान स्थान देखा गया है। अतः राजन, आप काम का ही अवलंबन करके सुंदर वेश वाली, आभूषणों से विभूषित तथा देखने में मनोहर एवं मदमत युवतियों के साथ विहार कीजिए। हम लोगों को इस जगत में काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। धर्मपुत्र, मैंने गहराई में बैठकर ऐसा निश्चय किया है, मेरे इस कथन में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरा ये वचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ, तुक्षता रहित और सारभूत है, अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। मेरे विचार से धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक का ही भक्त है, वह मनुष्य अधम है। जो दो के सेवन में निपुण है, उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है। और जो त्रिवर्ग में समान रूप से अनुरक्त है, वही मनुष्य उत्तम है। बुद्धिमान, सुहृदय, चंदन सार से चर्चित तथा विचित्र मालाओं और आभूषणों से विभूषित भीमसेन उन वीर बंधुओं से संक्षेप और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त वचन कहकर चुप हो गए। जिन्होंने महात्माओं के मुख से धर्म का उपदेश सुना है, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने दो घड़ी तक पूर्व वक्ताओं के वचनों पर भली भांति विचार करके मुस्कुराते हुए ये यथार्थ बात कही।
युधिष्ठिर बोले, हे बंधुओं, इसमें संदेह नहीं है कि आप लोग धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर विचार करके एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त है। मैं सबके विचार जानना चाहता था, इसलिए मेरे सामने यहाँ आप लोगों ने जो अपना अपना निश्चित सिद्धांत बताया है वह सब मैंने ध्यान से सुना है। अब आप, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरी उस बात को भी अनन्य चित्त होकर अवश्य सुनिए। जो न पाप में लगा हो और न पुण्य में, न तो अर्थोपार्जन में तत्पर हो, न धर्म में, न काम में ही लगा हो, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख को देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस समय मिट्टी के ढेले और सोने में उसका समान भाव हो जाता है। जो पूर्वजन की बातों का स्मरण करने वाले तथा वृद्धावस्था के विकार से युक्त है, वे मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक दुखों के उपभोग से निरंतर पीड़ित हो मुक्ति की ही प्रशंसा करते हैं, परंतु हम लोग उस मोक्ष के विषय में जानते ही नहीं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कथन है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि वह किसी का प्रिय अथवा अप्रिय ना करे। इस प्रकार विचार करना ही मोक्ष का प्रधान उपाय है, स्वेच्छाचार नहीं। विधाता ने मुझे जिस कार्य में लगा दिया है मैं उसे ही करता हूँ। विधाता सभी प्राणियों को विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करता है, अतः आप सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि विधाता ही प्रबल है। मनुष्य कर्म द्वारा अप्राप्य अर्थ नहीं पा सकता, जो होनहार है वही होगा। इस बात को तुम सब लोग जान लो। मनुष्य त्रिवर्ग से रहित होने पर भी आवश्यक पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय ही जगत का वास्तविक कल्याण करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी उत्तम, युक्तियुक्त और मन में बैठने वाली हुई। उसे पूर्ण रूप से समझकर वे सब भाई बड़े प्रसन्न से हो हर्षनाद करने लगे। उन सब ने कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर को अंजलि बांधकर प्रणाम किया। जन्मेजय युधिष्ठिर की उस वाणी में किसी प्रकार का दोष नहीं था। वह अत्यंत सुंदर स्वर और व्यंजन के सन्निवेश से विभूषित तथा मन के अनुरूप थी। उसे सुनकर समस्त राजाओं ने युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि आपद्म पर्वणि खड्ग गीता संपूर्णा। नमो नारायण।